नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th of May 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है ऑन द प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन, आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन यहाँ पर किसी नियुक्त किया गया, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा विवेक कुमार देवांगन। दोस्तों आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं मणिपुर कैडर के 1993 बैच के, और इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरईसी लिमिटेड। साथ ही साथ दोस्तों मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि निधि छिबर को सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है। एंड विवेक कुमार देवांगन इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। निधि छिबर इज द एडिशनल सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। शी इज अ 1994 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम छत्तीसगढ़ कैडर, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा में जो आप लोग को नोट डाउन कर लेनी है, और यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इनकी मिनिस्ट्रीज का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एडिशनल सेक्रेटरी एंड हेवी इंडस्ट्रीज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। एट सीएफएसएल इन हैदराबाद हु हैज इनॉग्रेटेड एनसीएफएल। तो यहाँ पर एनसीएफएल जो है, जो कि सीएफएसएल में हैदराबाद में यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुआ है, इसे इनॉग्रेट किसने किया है ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने, करेक्ट हो जाएगा अमित शाह जी, राइट। तो होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द एनसीएफएल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ सीएफएसएल इन हैदराबाद। द एनसीएफएल प्लान्स टू एक्सपेडिट द रिजोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन कंट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएफएल फॉर एवी इवेंटिशियरी purposes of CFSL Hyderabad in December 2021. In a written response, Ajay Kumar Mishra stated that the ministry has approved the establishment of NCFL for evidential reasons of CFSL in Hyderabad. The unit's ability of solve cybercrime cases in a comprehensive and coordinated manner will be enhanced further. Right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अमित शाह जी ने ये इनॉग्रेट किया है NCFL in the CFSL Hyderabad. Right? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल विच वुड स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसीजर ऑफ राइट ऑफ वे अक्रॉस द कंट्री। ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि कौन से डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया गति शक्ति पोर्टल को। तो ये करेक्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, राइट। द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हैज लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल which would streamline the application and approval procedure of right of way across the country. According to the Telecom Minister Ashwin Vaishnav, the platform would help to achieve goal of ease of doing business for telecoms infrastructure projects which is in the line with the visions of Honorable Prime Minister, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि basically जो infrastructure projects है उनमें एक easiness लाई जाएगी ताकि business easily हो सके, राइट। ये इसका एम है गति शक्ति संचार पोर्टल का, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके आगे दोस्तों जो डिस्पोजल्स है वो आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि एम क्या है इसका, और साथ ही साथ जो स्टेट्स और यूटी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेंगे वो भी यहाँ पर आप लोग को गति शक्ति पोर्टल ऑनलाइन में बता दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। डैश हैज इलेक्टेड एज एडवाइजर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट हो जाएगा आपका राजीव रंजन। तो देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव रंजन एंड स्थितिकांता पटनायक हैज बीन नेम्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो राजीव रंजन को एडवाइजर इन चार्ज बनाया गया एमपीसी डिपार्टमेंट का, और साथ ही साथ दोस्तों पटनायक इज एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि राजीव रंजन को किस पॉइंट पे, किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, और पटनायक जी को कौन से पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट।
राजीव रंजन विल ओवरसी द एमपीसी डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पटाय विल ओवरसी द डीईपीआर दैट इज डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी। ठीक है, बिल्कुल इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 17th ऑफ मे। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th ऑफ मे टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज हाइपरटेंशन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन इज नोन एज साइलेंट किलर। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉडीज आर्टरीज एंड मेन ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर, राइट। The blood pressure is excessively high is called hypertension. The blood pressure is measured of a two-digit figure when the heart contracts and beats. The first number systolic show the pressure of the blood vessel and the second number is diastolic that indicates the pressure in the arteries while the heart is rest between the beats. Basically hypertension day, जिसकी वजह से बहुत सारे heart attacks आते हैं दोस्तों लोग, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और हाइपरटेंशन से अटैक आता है, सिंपल बात। ठीक है, 17 मई को ये फाउंड किया मतलब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डैश वन द उबे रैप 2022 डिफीटिंग चाइना। ऑप्शन आप लोगों के सामने, किसने डिफीट किया है? साउथ कोरिया। ठीक है, सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखनी है, आफ्टर अ थ्रिलिंग फाइनल ऑफ इंपैक्ट ऑफ अरीना इन बैंकॉक थाईलैंड कोरिया स्टंट डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना टू कैप्चर देयर सेकंड उबेर कप टाइटल। राइट, जीता कौन है? साउथ कोरिया। किसको हराया? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मॉर्गन स्टैनले डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू डैश फ्रॉम 7.9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। 7.9 से कितना परसेंट डाउनग्रेड यहाँ पर किया है आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा ना 7.6%। राइट, बेसिकली किस वजह से? वॉर चल रही है उस वजह से, और एक जो बुलिश और बियरिश ग्रोथ चल रही है कि शेयर मार्केट कभी तो बिल्कुल ऊपर कभी कभी बिल्कुल नीचे, तो बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज से। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 इट इज लोअर्ड एट 66.7 फॉर द 7% एस्टिमेटेड अर्लियर आल्सो। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, मॉर्गन स्टैनले ने फॉरकास्ट किया है 7.6% के हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश टू द UN एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव विच एम्स एट एनहांस पब्लिक आउटरीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी। Options are there on your screen. Correct will be your 8 lakh, USD 8 lakh, right? So, यहाँ पर दोस्तों, the government of India has contributed USD 8 lakh to the UN as a part of initiative which aims to enhance public outreach of the organization in Hindi. R. Ravindra, India's deputy permanent representation to the Union, United Nations handed over a check for the Hindi at the rate UN project to Meeta Hosali, deputy director and officer in charge of the news and media division. यहाँ पर क्या याद रखने वाली बात है? फंड आउटले, टोटल फंड आउटले, और किसे? टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट यूनाइटेड नेशंस। जो चेक भी बना है ना दोस्तों, वो हिंदी बना है, हिंदी एट द रेट UN के नाम से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डैश डिफिटेड जुवेंटस 4-2 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम इन द इटालियन कप फाइनल। इंटरनेशनल न्यूज है, करेक्ट हो जाएगा इंटर मिलान। तो इंटर मिलान ने जुवेंटस को दोस्तों क्या किया है? डिफीट किया। ठीक है, बस यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा टाइम इटालियन कप फाइनल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल न्यूज है, लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स पास्ड अवे एज एन ऑलराउंडर। राइट, पहले शेन वॉन की बात कर ली और अब यहां पर आ जाते हैं आपके एंड्रयू साइमंड्स। इनका देहांत हो चुका है कार क्रैश की वजह से, कार एक्सीडेंट की वजह से। 46 ईयर ओल्ड थे, हु प्लेड 26 टेस्ट इन 198 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 1998 टू 2009 एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन अ सिंगल कार एक्सीडेंट आउटसाइड टाउन्सविल इन क्वींसलैंड स्टेट। साइमंड्स इज आल्सो टॉप रेट फील्डर एंड वाज अ की पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बैक टू बैक ओवर 50 ओवर वर्ल्ड कप्स इन 2003 एंड 2007। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डिमाइस है और बिचुरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने हमेशा बताया। ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।